हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वकर्मा सेंटर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको CITS RPL के बारे में बताएंगे। तो चलिए आप अपने मोबाइल में गूगल ओपन कर लीजिए और गूगल में आप यहां सर्च करेंगे नीमी एडमिशन ऑनलाइन। जैसे ही आप नीमी एडमिशन ऑनलाइन सर्च करेंगे तो देखिए आपको सबसे ऊपर ही देखने को ये वेबसाइट एक मिलेगा। आपको इसी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जब ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो देखिए आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पे लास्ट में एक अपडेट देखने को मिल रहा होगा, CITS RPL न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, और इसका लास्ट डेट है 23 जुलाई 2022 का इसका लास्ट डेट है। तो CITS RPL के रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकता है? तो जो लोग प्राइवेट ITI या गवर्नमेंट ITI में टीचिंग कर रहे होंगे और उनके पास 3 साल या 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, तो वैसे लोग CITS RPL के थ्रू CITS कोर्स कर सकते हैं। CITS रेगुलर की जैसा ये भी कोर्स होता है, बस इसमें कंडीशन यही होती है कि आपके पास मिनिमम पहले ही 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप ITI कॉलेज में पढ़ा चुके हैं, तो आपको इसमें क्लास नहीं करना होता है रेगुलर। आप डायरेक्ट ऑनलाइन कुछ मंथ्स कुछ वीक का ट्रेनिंग ले करके आप डायरेक्ट एग्ज़ाम दे करके CITS कोर्स को कम्प्लीट कर सकते हैं। तो RPL यहाँ पर क्या है, रिकॉग्निशन प्रीयर लर्निंग इसका फुल फॉर्म होता है, और CITS का फुल फॉर्म होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, के अंतर्गत आपको RPL के थ्रू CITS कराया जाता है। तो चलिए इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा क्लिक हेयर, तो आपको इसी क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको स्लाइड करके ऊपर जाना है। जैसे स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको उसके बाद इसी पे क्लिक करना है। देखिए जैसे ही मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन, आपको यहाँ पे दो चीज़ देखने को मिल रहा होगा, नॉट येट रजिस्टर्ड, यानी कि अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो ऑलरेडी रजिस्टर टू लॉग इन क्लिक हेयर, आगे के फर्दर प्रोसेस को कम्प्लीट करने के लिए आपको नीचे वाले कॉलम पर क्लिक करना होगा। तो मुझे अभी फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा रजिस्टर नाउ पर। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते ही आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या फिल करना है। देखिए एप्लीकेंट नेम में आप अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिल कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू 10th मार्कशीट रिजल्ट। फिर उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ आपके रिजल्ट के अनुसार ही यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। उसके बाद फादर हस्बैंड या गार्जियंस का नाम यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद देखिए मदर नेम है, आप अपने माता का नाम फिल कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप जेंडर है, आप मेल फीमेल जो भी होंगे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कैटेगरी है, तो कैटेगरी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो भी कैटेगरी होगा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिजिकली हैंड चैलेंज होंगे जो भी होंगे, यस नो तो सेलेक्ट कर लीजिएगा, एक्स सर्विस मैन जो भी होंगे। और फिर यहाँ पे वैवाहिक स्थिति, आप अपना मैरिड है अनमैरिड है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर UID नंबर, यानी कि आप अपना 12 डिजिट का यहाँ पे आप आधार नंबर आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर पे देखिए, मोबाइल नंबर लास्ट में बगल में ब्रैकेट में दिया गया है, डोंट प्रीफिक्स 0, आपको विदाउट 0 डाल करके यहाँ पे अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करना है। और देखिए ईमेल आईडी डालना है, इसमें लिया गया हिंट दिया गया है कि अवॉइड आउटलुक लाइव मेल्स वगैरह, इस टाइप का मेल्स नहीं डालना है आपको। नॉर्मली जीमेल अकाउंट का मेल आईडी आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। अगर आप डिप्लोमा पास्ट होंगे तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। अगर आप ITI पास्ट होंगे तो यहाँ पे सिंपली यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने ITI सर्टिफिकेट पे देखिएगा, आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा, तो आप यहाँ पे उसको सिंपली यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे फिल करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ सर्टिफाइड कैंडिडेट का एक कॉलम आ रहा है, तो जैसे ही आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो आप रेगुलर कोर्सेज के थ्रू ITI किए होंगे, तो आप यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी ट्रेड होगा आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपने किस ट्रेड से ITI किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट आएंगे, एड्रेस डिटेल्स का सेक्शन आ गया, आप यहाँ पे ऊपर अपना परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे, परमानेंट सिटी जो होगा आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिर उसके बाद परमानेंट स्टेट आपका जो भी होगा, यानी कि ऊपर वाला जो सेक्शन है आपका परमानेंट एड्रेस का है, तो ऊपर आपको इस सेक्शन में परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा।
उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एक सेक्शन मिल रहा है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर आपका सेम है परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, आप दोनों अभी सेम है, सेम ही एड्रेस पर रह रहे हैं, तो आप सिंपली इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं, टिक द चेक बॉक्स इफ़ बोथ एड्रेस आर सेम। दोनों एड्रेस आपका सेम है तो इस चेक बॉक्स पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अगर डिफरेंट है, अगर आप अभी रिसेंटली किसी और एड्रेस पर रहते हैं, तो वो एड्रेस इस सेक्शन में आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, तो देखिए अब यहाँ पे अब आ गया एकेडमिक क्वालिफिकेशंस का डिटेल्स फिल करना है। तो आपने आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10th पे आपने ITI किया होगा, आपका जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होगा, कुछ लोग BTEC किए होंगे, डिप्लोमा किए होंगे, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आपका बेसिक 10th एकेडमिक क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ 10th पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर अपना स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी नेम इसमें फिल करना होगा आपको। आपने किस सन में 10th पास आउट किया है वो फिल कर लीजिएगा। मेजर सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट्स आपका क्या था, किस साइड से आपने पढ़ा है, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितना परसेंटेज आपके बने थे वो फिल कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो आपको इस वाले कॉलम में टेक्निकल क्वालिफिकेशन का आपको डिटेल फिल करना होगा। जैसे एग्जामिनेशन फास्ट सेलेक्ट पे आप जब ऐसे क्लिक करेंगे, तो देखिए आपके सामने इस तरह का इतने सारे ऑप्शंस क्वालिफिकेशंस को ओपन हो जा रहे हैं, तो आप अपने टेक्निकल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप ITI हैं तो ITI सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप BTEC या BE किए हैं या BTEC वाला क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपने यहाँ पे कॉलेज का नाम फिल कर लेंगे, यूनिवर्सिटी का। फिर आप यहाँ पे अपना ट्रेड सेलेक्ट कर लेंगे, किस ट्रेड से आपने किया था। फिर आप अपने सर्टिफिकेट पे देखिएगा, सर्टिफिकेट नंबर होगा, आप वहाँ फिल करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस सन में टेक्निकल क्वालिफिकेशन पास किया है वो फिल करना होगा। आपकी कोर्स की ड्यूरेशन किया है, अगर आपने ITI किया होगा तो 2 years का आपका होगा, अगर आपने डिप्लोमा किया होगा 3 years का होगा, और आपने BTEC किया होगा तो 4 years, तो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। फिर कितने परसेंटेज बने थे आपको उस टेक्निकल एजुकेशन में, तो आप यहाँ फिल करना है। फिर देखिए उसके बाद आपका एक्सपीरियंस डिटेल्स का यहाँ पे कॉलम आ जाता है, तो आप यहाँ पे मिनिमम 3 years की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, यहाँ पे एसेंशियल है, अगर उससे ऊपर है तो और अच्छी बात है, अगर आपको मिनिमम 3 year का, तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस फिल करिएगा। फिर कोर्स डिटेल्स है, कोर्स अपीयरिंग, आपको किस ट्रेड से CITS करना है, तो आप अपने एक्सपीरियंस, अपने टेक्निकल क्वालिफिकेशन और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ट्रेड सेलेक्ट करना होगा, तो ट्रेड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए आपका स्पॉन्सरिंग ITI डिटेल्स, तो आपको यहाँ ITI डिटेल्स का पूछा जा रहा है डिटेल्स, तो आप इस पर सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपको गवर्नमेंट ITI में आपको एक्सपीरियंस है या प्राइवेट ITI में कहाँ पे आपने टीचिंग किया था या कर रहे हैं, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उस ITI कॉलेज का नेम यहाँ पे फिल होगा, फिर फुल एड्रेस, तो आपको यहाँ पे आप उस ITI कॉलेज का फुल एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना होगा। फिर आपका ITI कॉलेज किस स्टेट का है, किस स्टेट में वो स्थित है, तो आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर कॉन्टैक्ट पर्सन एंड एजुकेशन, आप जिस कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे आप यहाँ पे उनका, उस कॉलेज के प्रिंसिपल का नंबर फिल करके एंड उनका डेजिग्नेशन क्या था प्रिंसिपल, आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और नीचे वाले में STD कोड कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप डाल सकते हैं लैंडलाइन नंबर जो होता है, वरना छोड़ दीजिएगा ये वाले कॉलम। और फिर इस चेकबॉक्स पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से जैसे ही आप होम पेज पर आ जाएंगे, तो उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे CITS RPL न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे देखिए CITS RPL 2022 रजिस्ट्रेशन रजिस्टर नाउ, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद देखिए अभी आपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद ऑलरेडी रजिस्टर्ड का एक नीचे ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपने जब रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो मेल ID डाला था, जो मोबाइल नंबर डाला था, आप वहाँ पे अपना ये मेल ID फिल करेंगे, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर फिल करेंगे, फिर उसके बाद देखिए ऊपर नंबर जो शो हो रहा है वो नंबर्स को नीचे कैप्चा वो फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आगे के प्रोसेस के लिए आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपका डिटेल्स ओपन हो जाएगा, फिर वो उस एप्लीकेशन फॉर्म को फी आप पेमेंट करेंगे तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली फिलअप हो जाएगा। तो आप इस तरह इस प्रोसेस को फॉलो करके CITS RPL के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और CITS ITI और गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट से रिलेटेड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर मैं अपलोड करते रहता हूँ।